फरीदाबाद में जिम संचालक की दबंगई, इन्वर्टर मैकेनिक के साथ की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। इंसान कसरती बदन इसलिए बनाता है क्योंकि वो फिट रह सके, चुस्त रह सके, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल रोग बनाने के लिए या किसी को दबाने के लिए किया जाए तो इसको जरा भी ठीक नहीं कहा जा सकता। फरीदाबाद में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक इन्वर्टर ठीक करने वाले को अपने हक की कमाई मांगना महंगा पड़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आरोपी ताकत के नशे में चूर होकर मैकेनिक पर हमला कर रहा है। मामले में पीड़ित ने बताया कि उसकी दयालबाग रोड पर इन्वर्टर बैटरी की एक दुकान है। एक हफ्ते पहले आरोपी ने उसकी दुकान पर अपना इन्वर्टर ठीक करवाने को दिया था। कल दोपहर जब आरोपी अपना इन्वर्टर वापस लेने के लिए आया तो दुकानदार ने उसे इन्वर्टर ठीक करने की फीस के रूप में 1,850 रुपए मांगे, जिस पर आरोपी पैसे देने में आनाकानी करने लगा। आरोपी ने पैसे देने से बचने के लिए बहाना बनाया और दुकानदार से कहा कि वो अपने घर पर इन्वर्टर लगाकर चेक करेगा और अगर वो ठीक हुआ तो उसके बाद ही पैसे देगा, जिस पर दुकानदार ने कहा कि वो दुकान पर इन्वर्टर को चेक कर सकता है। जब आरोपी के पास कोई बहाना नहीं बचा तो इस बात को लेकर आरोपी ने दुकानदार के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया और उसके साथ मारपीट की। पीड़ित के साथ मारपीट करने के बाद आरोपी ने अपने दो अन्य साथियों को मौके पर बुलाया और फिर से दुकानदार के साथ मारपीट की, साथ ही दुकानदार को जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर तफ्तीश शुरू की। पुलिस चौकी प्रभारी विनोद कुमार की टीम ने सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर लक्कड़पुर के रहने वाले आरोपी दिनेश को उसके गांव से गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। ये कल की घटना है, थाना सूरजकुंड एरिया में जो दयालबाग रोड है वहाँ पर एक इन्वर्टर की दुकान है। इन्वर्टर की दुकान पे एक दिनेश नाम का व्यक्ति आया जिसने अपना इन्वर्टर ठीक कराया। दुकानदार द्वारा पैसे मांगने पर उसने कहा कि मेरे घर पे ठीक चलेगा तो पैसे दूंगा। दुकानदार ने कहा कि मैं यहाँ पे चला के दिखा सकता हूँ, और इसी बात पर उनकी जिद बहस हुई और उसने उसके पैसे नहीं दिए और पैसे देने की बताया उसके साथ जिद बहस करके मारपीट की। मारपीट भी उसने बहुत ज़्यादा की जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। ये पुलिस के संज्ञान में आया और जो पीड़ित है गौरव, इसकी शिकायत पर आरोपी दिनेश के खिलाफ थाना सूरजकुंड में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीपी साहब के डायरेक्शन पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को अरेस्ट कर दिया गया है। उधर कन्फेशन में आरोपी ने पीड़ित के साथ मारपीट की वारदात को कबूल किया है। आरोपी लक्कड़पुर में जिम चलाता है और जिम संचालक होने का रोब दिखाते हुए उसने पीड़ित के साथ मारपीट की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1,500 रुपए बरामद किए हैं। इसके खिलाफ संगीन धाराएं लगाई गई हैं। जो आरोपी ने दुकानदार के गले से 1,800 रुपए भी निकाल दिए थे और उसको बुरी तरह मारपीट कर दी थी। इस संबंध में सीपी साहब ने संज्ञान लिया और इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। थाना सूरजकुंड पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को अरेस्ट कर दिया गया है। इसमें सीसीटीवी फुटेज में दो व्यक्ति और भी सामने आए हैं जिनकी तलाश जारी है, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। जो मुख्य आरोपी है दिनेश, ये जिम संचालक है और इसको आज कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। पूरे मामले में यही सवाल उठता है कि क्या आरोपी को कानून का जरा भी खौफ नहीं था? क्यों वो अपने जिम वाले शरीर पर इतना गुमान कर रहा था कि वो ये भूल गया कि अपनी बेहुदा हरकत के जरिए वो कानून के शिकंजे में फंस सकता है? हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजेंद्र खैया की रिपोर्ट।